हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेवर टूथ ए के स्माइलाडन और ये है आज के टाइम का जंगल का राजा द अफ्रीकन लायन। ये दोनों प्रेडेटर अपने अपने टाइम के माहिर शिकारी हैं, जो अपने ताकत और रफ्तार से किसी भी जानवर की पुंगी बजा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हो अगर हम इन दोनों प्रेडेटर को आमने सामने ले आए और इनके बीच में एक फाइट करा दें? कौन होगा इस मैच का विनर, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हु इज द किंग ऑफ द जंगल। तो फ्रेंड, इससे पहले कि ये खूंखार जानवरों के बीच में फाइट शुरू हो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी सीन इस वीडियो में दिखाए गए हैं वो रियल नहीं है और ना ही इस वीडियो में किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाया गया है। सो फ्रेंड, लेट्स द फाइट बिगिन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में किसी भी एक को विनर चुनने से पहले हम इन दोनों प्रीडेटर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जो हमें एक फेयर विनर चुनने में मदद करेगा। हम इन दोनों प्रीडेटर के फीट्स को इन पांच कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो कि हैं हाइट, वेट, स्पीड, बाइट फोर्स एंड वीकनेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे आइस एज के टाइम पीरियड से आए हुए मेहमान द सेवर टूथ की। ऐसे तो सेवर टूथ की टोटल तीन स्पीसीज है, जिसमे सेवर टूथ टाइगर इनकी सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर प्रजाति है और इस वीडियो में हम इसी एनिमल को रिंग में उतारेंगे। हाइट एंड वेट। सेवर टूथ टाइगर की हाइट लगभग 4 फीट और हाँ फ्रेंड्स, ये हाइट इनकी 4 पैरों पर खड़े होने पर है, कुछ इस तरह। और अगर ये जानवर अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाए तो इनकी लंबाई 7 फीट तक हो जाती है। अगर इनकी वेट की बात करें तो ये 340 केजी तक हुआ करते थे अपने गठीले बॉडी के साथ। स्पीड एंड बाइट फोर्स। अगर हम इनकी दौड़ने की बात करें तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे और इनकी बाइट फोर्स 250 psi था, यानी कि 15 किलोग्राम प्रति इंच। लेकिन इनसे भी ज्यादा घातक थे इनके आगे निकले ये दो दांत, जिनकी लंबाई 11 इंच हुआ करती थी। वीकनेस। अगर हम वीकनेस की बात करें तो इनके सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि है इनके ये दो दांत, जो गलती से फाइट या शिकार के दौरान अगर टूट जाए तो इन्हें आगे लाइफ जीने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही फॉसल मिले हैं जिनके दांत टूटे हुए हों, इसलिए 100 में से 1% ऐसा हो। तो बहुत बात होगी हमारे इस महारथी की, अब कुछ चीजें हमारे जंगल के राजा शेर की भी जान लेते हैं, जो सीधा इस रिंग में आए हैं अफ्रीका से। अब अफ्रीका से क्यों? दरअसल फ्रेंड, अफ्रीका के लायन इस दुनिया के सबसे बड़े लायन के स्पीसीज में आते हैं और हमें एक ताकतवर कॉम्पिटिटर भी चाहिए जो शायद अफ्रीकन लायन दे सके। तो फ्रेंड्स, हम अफ्रीकन लायन को भी इन 5 फीट्स में ही बांटेंगे, जो कि हैं हाइट, वेट, स्पीड, बाइट फोर्स एंड वीकनेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट एंड वेट की। तो अगर हम हाइट की बात करें तो अफ्रीकन लायन की हाइट 4 फीट और लंबाई 7 to 8 फीट हुआ करती है और इनका वजन 200 से 250 केजी तक का होता है। स्पीड एंड बाइट फोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लायन का एक और चांस है जीतने का, क्योंकि अफ्रीकन लायन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति आवर होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और वहीं अगर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो ये 650 psi यानी कि 45 kg पर इंच होती है, जो कि सेवर टूथ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। लेकिन क्या सिर्फ बाइट फोर्स के ही कारण हमारे जंगल का राजा जीत पाएगा? आगे देखते हैं। वीकनेस। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो इनकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो कि है स्टैमिना। दरअसल फ्रेंड, इनका दिल बहुत ही छोटा होता है, एक हाइने के दिल के लगभग आधा, जिसके कारण ये जल्दी थक जाते हैं और ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये रहे इनके सारे फीट्स चार्ट। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट को देख के लग रहा है कि लायन हमारी इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि उसकी बाइट फोर्स और हाइट दोनों ज्यादा है। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, सच्चाई इसके जस्ट उल्टा है, क्योंकि शेर की स्टैमिना बहुत ही कम होती है और लंबे टाइम तक अगर ये फाइट चला तो उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है, या फिर कहूं तो ना के बराबर। और वहीं सेबर टूथ की स्टैमिना बहुत ही ज्यादा है और लंबे समय तक किसी भी लड़ाई में रह सकता है और ना ही जल्दी थकता है। वहीं शायद आप लोग इस बात को भूल रहे हैं कि सेबर टूथ के पास
पास 11 इंच के दांत हैं, जो कि फूल कृपी एक बार भी शेर के अंदर धस जाए तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और तो और अगर हम दोनों के स्लाइप पावर की बात करें, यानी कि झापड़ मारने की ताकत को, तो लायन का स्लाइप पावर 150 किलोग्राम होता है और वहीं सेबर टूथ का स्लैप पावर 500 केजी जितना होता है। और अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूं कि ये कितना है, तो ये पावर उतना ही है जैसे आपके ऊपर कोई ऊंट गिर गया हो। तो फ्रेंड, इन्हीं सब रीजन की वजह से हमारा सेबर टूथ इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। वहीं अगर साइंटिस्ट की माने तो 1 मिलियन में सिर्फ 1% ही चांस है कि लायन जीते। तो बस फ्रेंड, मुझे कॉमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में क्या लगता था, कौन सा एनिमल जीतेगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।